हमारा स्टैंड पार्टी का, सरकार का, भगवंत मान जी का बड़ा क्लियर है कि हम लोग पंजाब से भ्रष्टाचार को जड़ से ख़त्म करने के लिए आए हैं। भ्रष्टाचार चाहे कोई पीएन क्लर्क या सुपरिटेंडेंट या कोई पीसीएस आईएएस ऑफिसर या कोई एमएलए मिनिस्टर करता है, उसके वो भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा। जो ईमानदारी से पंजाब के और पंजाबियों की सेवा कर रहा है, उसको किसी भी विजिलेंस से, किसी भी इंक्वायरी से, किसी भी एफआईआर से डरने की ज़रूरत नहीं है। सो हमारा स्टैंड फ्रॉम डे वन बड़ा क्लियर है, जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन है, थी और हमेशा रहेगी। पीसीएस के साथ आईएएस लोबी भी एक तरह से नाराज है सरकार से, और वो भी इस तरह की बातें कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी जो है वो सरकार से नाराज चल रही है, इसको लेकर क्या? देखिए, ऐसा है कि मैं किसी के ऊपर कोई कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन हमारा पर्पस, जैसे मैंने पहले कहा कि चाहे कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है पीएन से लेकर मुख्यमंत्री या मंत्रियों तक, हम सबकी ड्यूटी क्या है, काम क्या है? अगर कोई लॉबी किसी अपने क्लीग के साथ खड़ती है तो ठीक है, ये उनका राइट है, मैं उसको गलत नहीं कहूँगा, लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे काम जो है वो पूरी ईमानदारी के साथ चलेगा। जो पहले सिस्टम चलता आया 75 साल, वो दिन अब ख़त्म हो चुके हैं, वो काम नहीं चलेगा, पूरी ईमानदारी के साथ काम करना पड़ेगा। अब कौन किसके साथ खड़ा होता है, अगर वो अपने क्लीग के साथ खड़े होते हैं तो दैट इज़ देयर विश, बट आर ओनली वन एंड ओनली मोटिव इज़ कि पंजाब के लोगों को एक ईमानदार सरकार और गुड गवर्नेंस दी जाए। सर, 2 बजे का अल्टीमेटम दिया है, एक्शन प्लान क्या हो रहा है अगर वो नहीं? देखिए, ये तो माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान जी बताएंगे कि इसके बाद का एक्शन प्लान क्या है, क्या उनकी, जो मेरे को पता चला है उनकी कल से मीटिंग्स चल रही हैं, और इसमें भगवंत मान जी का भी कोई पर्सनल कोई एजेंडा थोड़ा ही है। उनका एजेंडा सिर्फ एक है कि ईमानदारी से हम सब पंजाब की सेवा करें, और इससे ज़्यादा तो कोई एजेंडा भी नहीं है।